हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। हमारे चैनल में आप सबको स्वागत है। दोस्तों, अब तो छठ पूजा खत्म हो गया, भीड़ भाड़ पब्लिक जाने लगे। तो दोस्तों, सब जाने लगे, अब घाट खाली हो गया। दोस्तों नहा लिए, पूजा पाठ कर लिए, चाय भी पी लिए, जा रहे हैं। अब खाना तैयारी करेंगे। अभी करेला की सब्जी रोटी बनाएंगे, दिखाएंगे करेला की सब्जी हम कैसे बनाते हैं। और सब जरूर देखना, कमेंट में जरूर बताना किसको किसको खाना है करेला के सब्जी और मक्का के रोटी। दोस्तों, इसने सरसों ले लिया है, इधर प्याज काम से रख दिया है, मिर्ची अभी काटेंगे, आधा चार थोड़ी इसमें डालेंगे। देखो इतना चार है, अभी डालेंगे। इसमें करेला उबाल के रखे हैं दोस्तों, देखो हम कैसे करेला उबाले हैं। दोस्तों, इसमें मिर्ची डाल देते हैं, अचार डाल दिए, इसमें मिर्ची सारे डाल देते हैं, सारे पीस देंगे। पीस के फिर इसको सही से भूनेंगे। दोस्तों इधर कढ़ाई चढ़ा दिए, थोड़ी इसमें तेल डाल देते हैं। सरसों के तेल है दोस्तों। अब ये करेला की बिचाई निकाल लेते हैं। करेला की बिचा की काल के फिर इसको भूनेंगे, भूंज के निकालेंगे, तब फिर प्याज भूनेंगे। दोस्तों हम बना रहे हैं आसान तरीका से करेला, इसमें टाइम उतना नहीं लगता है दोस्तों, तुरंत बन जाता है। आसान तरीका से बना रहे हैं, सिखा रहे हैं बनाने के लिए, इसमें कोई टाइम नहीं लगता है। दोस्तों इधर प्याज भूनते हैं, करेला के बीज चा भूनते हैं, बीज। दोस्तों इधर देखो मसाला भून लिए, कितना अच्छा लग रहा है। मसाला निकालते हैं। पूरे हिसाब से निकाल लेते हैं दोस्तों, फिर आप भर भर के इसमें देंगे। निकाल लिए दोस्तों सारे, भर भर के फटाफट दे देते हैं। तो इधर करेला जल जाएगा, चूल्हा भी बंद कर देते हैं, अभी फटाफट भर के उसमें डाल देते हैं। ये है आसान तरीका दोस्तों बनाने का, बहुत आसानी से बना लो ये। स्टार्ट।
दोस्तों ये पूरे भर लिया, अब इधर चूल्हा चालू कर देते हैं। दोस्तों सारे काम हो गया, करेला वाला तो भर के इसमें डाल दिए, अब इसको फ्राई कर रहे हैं। आप जा रहे हैं आटा गूंदने के लिए, फिर बनेगा रोटी। तो खाना वाना बना लिए, खा लिए, बर्तन धो लिए, सारे काम हो गया दोस्तों। अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।